नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। बदरका सब स्टेशन से दो दिनों से लाइट बाधित। भारत रक्षा दल के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने लगाया चक्का जाम। लाइट बाधित होने की वजह से गुस्साए मोहल्ला वासियों ने भारत रक्षा दल के नेतृत्व में चक्का जाम किया। चीफ के आश्वासन और दो घंटे में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, इस आश्वासन और लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया और कहा कि अगर दो घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो भारत रक्षा दल के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों के साथ पुनः चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस धरने में मुख्य रूप से हरिकेश विक्रम प्रदेश उपाध्यक्ष, मनीष कृष्ण नगर अध्यक्ष, उमेश सिंह गुड्डू जिलाध्यक्ष के साथ सभी मोहल्लेवासी मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए आजमगढ़ से संवाददाता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। हो गई अगर हमें बिजली पानी चाहिए तभी। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन मिला है कि डेढ़ घंटे के अंदर एक्सीएन आजमगढ़ ने बताया है कि डेढ़ घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर यहाँ बदरका चौराहे पे बदरका मोड़ पे लग जाएगा। उसका आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ है। अगर नहीं एक डेढ़ घंटे में आया तो फिर हम लोग चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदारी विद्युत विभाग की है।